साहिल भैया जाना कहाँ पे ये तो बताओ। आज हम निकल गए घर से बाहर। अच्छा सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर YouTube चैनल MV Vlogs। तो आज कुछ बेहतरीन दिन होने वाला है क्योंकि आज हमारी यह राइड है बहुत ही बेहतरीन लोगों के साथ, क्योंकि साहिल भैया ने मुझे कॉल करा था कि आप राइड के लिए आ जाओ और मुझे पता नहीं है साहिल भैया कहाँ वेट कर रहे हैं हमारा। आई थिंक उन्होंने जहाँ पे मुझे बोला था नागमनी स्कूल के पास बोला था, और नागमनी स्कूल के पास मैं जाऊँगा अभी, और आई थिंक मुझे कॉल साहिल भैया का ही आ रहा है। इस तो साहिल भैया आ चुके हैं, विक्की भैया आ चुके हैं और रवि भैया भी आ चुके हैं, तो यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। मेरे साथ है अतुल जो अक्सर मेरे साथ ऑलवेज होता है, और राइड का जो आज मजा आने वाला है वो काफी ज्यादा आने वाला है, मुझे भी नहीं पता। बेसिकली हम राइड पे जा कर रहे हैं, सिर्फ साहिल भैया ने ये चीज बोली थी कि आज राइड करने का मन है क्योंकि आज संडे है तो राइड करने चलते हैं, तो इसीलिए मैं 2 मिनट में रेडी होके साहिल भैया के पास। साहिल भैया जाना कहाँ पे ये तो बताओ। आज हम निकल गए घर से बाहर। अच्छा तो आज काफी मजा आने वाला है ना। ये तो आपने ग्लव्स ले लिए, कितने के लिए? ये नहीं हो सकता साहिल भैया। तो साहिल भाई ने गिफ्ट कर दिए, ठीक है, और रॉयल इनफील्ड के हैं, तो मेरे को लग रहा है कि 500-600 का चूना लगा के आए साहिल भैया। अब हम लेंगे 4200 वाले लेंगे। हाँ वो वाले जो देखे थे साहिल भैया को, एक दो राइड शुरू कर रहे थे। हाँ साहिल भैया ने एक नई बाइक भी पसंद कर ली जो आई थिंक अतुल को नहीं पता, इसी को मॉडिफाई कराएंगे। अब इसमें ये चेंज हो जाएंगे नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया तो बताओ। नमस्ते भैया। आइडिया अभी फिलहाल हमारा आइडिया है, हम जा रहे हैं कहीं पे भी नहीं है। नहीं मतलब रूट तो बता दो मेरे को, मैं जनता को बता दूं। भाई हमारे साथ जाएगा ना, रूट ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। साहिल वे का कहना है कि हम जहाँ पे भी जाएंगे रूट ऑटोमेटिक बन जाएगा, तो ये भी सही है। तो सभी आ चुके हैं, हमारे राइडर्स तैयार हो चुके हैं, और एक और बाइक जो साहिल भैया ने कब से बुलाई थी रवि भैया वो भी आ चुके हैं, तो यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। तू रेडी है? तो ये जो तू व्हाइट पहन के जा रहा है ये आते तक मिट्टी से भर जाएगी। साहिल भैया की है तो कोई बात नहीं, इस कॉल में सही रहता है कि साहिल भैया की तो क्या हो जाएगा, भर जाएगी तो साहिल भैया की भरेगी ना। बैठ जा, हाँ वो तो है। तो हमारे सारे राइडर आ चुके हैं, और राइडर कौन है कि साहिल भैया, साहिल भैया के दोस्त है। मुझे आज सुबह कॉल आया कि आपको राइड पे जाना है, तो मुझे नहीं पता 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास पहुंचो, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं साहिल भैया की बात टाल दूं, और ये साहिल भैया का 350 और 2-3 बाइक और जा रही है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। होप आज ही मैं ड्राइव करूँ और आप लोगों को इसका फील बताऊँ कि फील कैसा है। साहिल भैया आप तो लीड करने वाले थे, आप पीछे क्यों रह गए? आप तो लीड करने वाले थे ना। लीडर अकेले चलता है। आज साहिल भैया को ज्यादा ही खुश लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये पहली बार आई थी राइड पे जा रहे हैं हमारे साथ, तो काफी ज्यादा खुश है, एक्साइटेड भी है, और उसका जो छोटा भाई है अतुल वो मेरे साथ बैठा हुआ है, ऑलवेज मेरे साथ ही रहता है क्योंकि इसको मेरे साथ जाना ज्यादा पसंद रहता है। क्यों? प्यार ही बड़ा है। हाँ प्यार तो बेशुमार है ना तेरे साथ मेरा। तो तेरे को कैसा फील हो रहा है राइड पे? मुझे बहुत मजा आ रहा है। तेरे को तो ऑलवेज मजा ही आएगा ना क्योंकि तू मेरे साथ जाता है। ठंड तो लगेगी, ऑब्वियसली बात है ना, ठंड है तो ठंड लगेगी। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं मुगल रोड, जो कि आई थिंक पुंछ रजौरी हर जगह श्रीनगर कनेक्ट होता है, इसको मुगल रोड बोलते हैं। तो हम जा रहे हैं मुगल रोड पे, और आगे जो डेस्टिनेशन होगी वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि साहिल भैया से जब मैंने पूछा था तो साहिल भैया का एक ही जवाब था कि जहाँ हम जाते हैं रूट वहीं से शुरू हो जाता है, जो आगे की डेस्टिनेशन होगी वो समय समय पर आपको बता दी जाएगी। और आई थिंक आज मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, आपका हाल चाल पूछना, तो हाल चाल पूछना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कितना हूँ जी सारे? बढ़िया, आप बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कि ये कोई एक बंदा राइड लीड करे, बट मेरे को ऐसे लग नहीं रहा कि कोई लीड करेगा। साहिल भैया अलग जा रहे हैं, ये अलग जा रहे हैं, आगे वाले अलग जा रहे हैं, और मैं अपने अलग जा रहा हूँ। जो एक्साइटमेंट लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि साहिल भैया के साथ मैं पहली बार राइड पर जा रहा हूँ, और साहिल भैया के साथ राइड जो होती है, चाहे वो राइड हो चाहे वो ड्राइव हो, बहुत बेहतरीन सी निकलती है। तो हमारा रूट यहाँ से हो जाएगा जो मैरा मंदिर वाली साइड रास्ता जाता है वहाँ, और यहाँ से पता नहीं कौन सा रास्ता ऐसा निकलता है जो साहिल भैया हमको लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम मुगल रोड पे जा रहे थे, और मुगल रोड पे जाते जाते हमने एक अंदर टर्न ले लिया जो जाता है मैरा मांद्रा रियासी वाली साइड। तो उसी रास्ते पे चलते हुए जी आगे हमारे लीड कर रहे हैं साहिल भैया, और साहिल भैया जो जब लीड करते हैं ना तो कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इनका कोई मूड का भरोसा नहीं है कि कब मूड कब चेंज हो जाए, कौन सी डेस्टिनेशन कब क्या हो जाए, ये सब का सब साहिल भैया, जो सब कुछ है वो साहिल भैया पे निर्भर करता है। और मुझे भी ऐसे फील हो रहा है कि काफ़ी मज़ा आने वाला है इस राइड पे। ओहो ढोल वाले भैया, अभी अगर हमें ढोल मिल जाए ना साहिल भैया को, अगर मैं बोलूँ बजाने के लिए तो बजा देंगे, इतनी खुश है साहिल भैया कि अगर मैं ढोल बोलूँ बजाने को साहिल भैया पूरे एक्यूरेट तरीके से बजा दें। इतनी खुशी साहिल भैया को आज मैंने पहली बार देखी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है साहिल भैया। होप फॉर द बेस्ट यार, सब कुछ अच्छा जाए और हमारी जो राइड है वो बेहतरीन जाए जी।
आप लोग हमारे ब्लॉग देखते हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और जो नहीं देखते हैं उनको भी शुक्रिया, और जो देखते हैं वो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो पूरी दुनिया देखे। और मुझे पता है कि जो जो मेरे ब्लॉग देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे को और मेरे भाई को, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो यार, ऊपर वाला सबको खुश रखे। यहाँ पे तूने कहाँ कहाँ की है पार्टी? यहाँ पे बैठ के भी किया? हाँ, टूर्नामेंट चल रही थी, फाइनल जीते। अच्छा, टूर्नामेंट चल रही थी इसलिए तुम यहाँ पे आए? हाँ, यहाँ पे पार्टी में क्या क्या पिया और खाया? पार्टी में कोल्ड ड्रिंक भी थी। कोल्ड ड्रिंक भी थी और मोसे खाए थे। खारा खारा? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छे बच्चे है ना। हाँ वो तो है। तो ये वानर से ना हमको मिलने शुरू हो चुकी है, और जैसे हम 10 किलोमीटर अपने एरिया से आते हैं, जैसे आपने हर ब्लॉग में देखा कि जैसे आप 10 किलोमीटर ऊपर एरिया जब आप पहुंच जाते हो तो आपको ये वादियाँ, ग्रीनरी, हरे हरे पेड़ देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं जी। तो हमारा एरिया जो है वो आई थिंक पहाड़ों से आगे पीछे को क्या बोलते हैं, लुत्फुत नहीं, मतलब हमारे एरिया जो है वो आगे पीछे से घिरा हुआ है इन पहाड़ियों से, खूबसूरत वादियों से। तो आगे आगे जो पहाड़ियाँ हैं वो और बड़ी होने वाली हैं और मज़ा आने वाला जी। तो मज़े को लेते रहो। साहिल भैया बुला रहे हैं जी। अरे रील वीडियो नहीं बना रहा ये साहिल भैया की, रील वीडियो बनाना तो क्यों कर ये बेबी साहिल भैया यार, क्या साहिल भैया, साहिल भैया को बस आज एक्साइटमेंट लेवल वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, और अपने छोटे भाई को बोल रहा है कि तू पीछे बैठ के क्या कर रहा है, तेरे को हमने मुफ्त में नहीं लाया, तो हमारी रील वीडियो बनाने के लिए आया हुआ है। यार बच्चे भी क्या होते हैं, बच्चों को पता चल चुका है कि कुत्ते पीछे लगे और बच्चे ये दौड़ दौड़ के यहाँ पे आया हुआ। क्या हुआ तेरे को? देख नहीं रहा। साहिल भैया में जोश आ चुका है क्योंकि वो सबसे पीछे थे और अभी उनको सबसे आगे जाना है। ओहो क्या मस्त वेदर है यार, लुक एट दैट, वो रही हमारी खूबसूरत वादियाँ और पहाड़ों पर पड़ी है बेहतरीन बर्फ। तो यही सब चीज़ें दिखाने के लिए हम सारे यहाँ पे आए हैं जी। क्या ही मस्त व्यू है, वेरी नाइस। Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things.